गुड इवनिंग एवरीवन। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। नमस्कार। तो आज हम समझने वाले हैं कोई कुछ अलग बिंदुओं के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट पॉइंट्स और दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सोर्स point. So what is the meaning of source point? The other name of source point is called yon source point. तो source point को हम source point भी कहते हैं और इन्हीं को हम yon source point भी कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है कि जैसे कि मानो ये एक स्टेट है और ये इसके राजा हैं। सो दिस इज द किंग ऑफ स्टेट। एक राज्य है और उसके राजा हैं। तो राजा का काम क्या है? राजा का काम है प्रजा की देखभाल करना। और राजा प्रजा की देखभाल को कैसे करेगा? माना कि इस गांव में बहुत सारे किसान रहते हैं और इस साल पानी नहीं बरसा, खेती नहीं हुई, तो राजा क्या करेगा? सभी को गेहूं, चावल और खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराएगा ताकि सभी लोग खुश रहें और किसी परेशानी से न जूझें। So what is the responsibility of king of any state? The responsibility of king to take care all the person living in the state. If there is no raining, if there is any problem in the state, so this is the responsibility to provide the food, grains, vegetables and take care the persons who is living under the state of any king. In the same way, in the human body, the kidney is having lots of vital energy, lots of essence और जिंगो और वीर्य और पावर और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरिंग द नीड किडनी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू ईच एंड एवरी मेरिडियंस। ठीक उसी राजा की तरह किडनी का काम है हमारे शरीर में। तो जब भी हमारे किसी भी अंग को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वह ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? किडनी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि किडनी के पास वीर्य है, जिंग है। किडनी के पास वही वीर्य है जिसको एक ब्रह्मचारी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और किडनी के पास जो वीर्य वही एक गृहस्थ संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग करता है। तो किडनी का जो वीर्य है, किडनी का जो जिंग है, उसको हम मल्टीपल यूजेस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सो किडनी इज स्टोरिंग द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ची, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वाटल ची, एंड ड्यूरिंग द नीड इट कैन सप्लाई टू ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन। आइदर दिस द हार्ट और दिस द लंग और दिस द स्प्लीन और दिस द किडनी और दिस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनी ऑर्गन कैन आस्क द एनर्जी फ्रॉम द किडनी। हर ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, स्प्लीन हो, किडनी हो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी किडनी से ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं जब उनको जरूरत होती है।
और किडनी उनकी सारे अंगों की देखभाल करती है, अपने वीर्य को, अपने जिंक को, अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर और स्ट्रेंथ को सप्लाई करके। सो दिस इज द किडनी, सपोज दिस इज द किडनी एनर्जी स्टोर हाउस, द किडनी स्टोर हाउस एंड इनसाइड द किडनी, किडनी इज हैविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी। द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज युआन ची, द नेम ऑफ किडनी एनर्जी युआन ची। तो किडनी की जो ऊर्जा होती है उसका नाम है युआन ची, आपने सुना होगा। हम इस शब्द का प्रयोग हिंदी में भी करते हैं, बोलते हैं यौन यौन, जैसे कई बार यौन शोषण हो, यौन का प्रयोग करते हैं। यौन का अर्थ क्या है? यौन का अर्थ है सेक्सुअल एनर्जी से, यौन का अर्थ है वीर से, जिंग से। सो द सेम वर्ड we are using in the acupuncture, yuan qi, the meaning of yuan qi, the energy which is connected with the kidney and stored in the kidney, which is giving power to every organ. You know, if some person is taking the treatment of paralysis and if he is not saving the jing, then it's very difficult to treat, it is very difficult to get the faster results. तो जब भी किसी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, हमें उसके उसको ब्रह्मचर्य का पालन अगर कराएं और उसके जिंग को वीर्य को सेव करें और वो जिंग और वीर्य उसके रिकवरी में, हीलिंग में यूज करें, तो हीलिंग और रिकवरी बहुत फास्टर होती है। सो दिस इज द युआन ची। नाउ this chi is reaching to each and every meridians, like in the body we are having lungs, heart, we are having pericardium, spleen, kidney, liver, we are having large intestine, small intestine, triple warmer, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर, हमारे 12 मेरिडियन है, यानी हमारे शरीर में 12 परिवार हैं, 12 फैमिलीज हैं। और जब इन फैमिली को कुछ परेशानी हुई तो वो किडनी से ऊर्जा को मांगती हैं और किडनी इनके पास ऊर्जा को भेजती है, हर मेरिडियन को ऊर्जा सप्लाई करती है। सो किडनी इज सेंडिंग द एनर्जी टू द ईच एंड एवरी मेरिडियन and all the meridian are getting the energy from the kidney, so all the meridian is connected with the kidney and this energy sent by the kidney is called yuan qi. So let's see, suppose this is the kidney, these are the one kidney, this is the second kidney, the midpoint of the kidney or governing vessel 4, that is called Ming Meng Chakra, or the storehouse of kidney qi, or the storehouse of yuan qi. तो हमारी जो दो किडनी होती हैं और दोनों किडनी के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं Ming Meng Chakra. यह Ming Meng Chakra वही स्थान है जहां पर दोनों किडनी की एनर्जी स्टोर रहती है और इसी एनर्जी को हम युआन ची कहते हैं। यहीं से एनर्जी उठकर हर एक मेरिडियन में हमारे शरीर की 12 फैमिलीज में जाती है। सो किडनी इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक केयर ऑल द ऑर्गन बाय प्रोवाइडिंग द पावर, स्ट्रेंथ, जिंक। So this is the kidney, one kidney, second kidney, kidney 1 and kidney 2. So this is the right side kidney, this is the left side kidney.
And in between we are having one point, the storehouse. तो दोनों किडनी के बीच में क्या है? दोनों किडनी के बीच में है स्टोर हाउस. सो हाउ दिस एनर्जी इज रीचिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियन. किडनी से ऊर्जा निकली तो मेरिडियन तक पहुंची कैसे, किस रास्ते से गई, वो कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से किडनी की ऊर्जा किडनी से निकलकर गवर्निंग वेसल फोर से निकलकर सारे मेरिडियन में पहुंचती है, सारे मेरिडियन में जाती है. वो रास्ता क्या है, वो कौन सी पाइपलाइन है, वो कौन सा मेरिडियन है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें किडनी की ऊर्जा को उठाना है और हर जगह पहुंचाना है, चाहे वो शरीर का ऊपर का भाग हो, चाहे वो शरीर का बीच का भाग हो, चाहे वो शरीर के नीचे का भाग हो. एक्यूपंक्चर में कहते हैं हम इसे अपर बार्मर और कहते हैं मिडिल बार्मर और कहते हैं लोअर बार्मर. यानी हमारे शरीर का चाहे अपर बार्मर हो, चाहे मिडिल बार्मर हो, चाहे लोअर बार्मर हो, तीनों भाग में जो ऊर्जा को पहुंचाएगा, तो हमने उसको नाम दे दिया ट्रिपल बार्मर, क्योंकि तीनों बार्मर में ऊर्जा सप्लाई करेगा, तो उसका नाम रखा गया है ट्रिपल वार्मर. तो ट्रिपल वार्मर का मतलब है जो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों को ऊर्जा देता. ऊर्जा देता कहां से है, वो किडनी की जो युआनची है, जो हमारा स्टोर हाउस है, जो हमारा वीर्य है, वो ट्रिपल वार्मर के अंदर बहता है और बहते बहते संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, हर एक मेरिडियन में, हर एक ऑर्गन में फैल जाता है. सो the triple warmer has been given the responsibility to supply the kidney energy to the upper part, to the middle part, to the lower part. In the acupuncture, we are telling upper warmer, middle warmer and lower warmer. So in this way, to supply the energy in all the three warmer, to supply the kidney qi, yuan qi in all the three warmer, is the responsibility of triple warmer. So we have given the name only for this purpose, because this triple warmer is not having any other energy. The triple warmer having just the energy of kidney inside the pipe of triple warmer. So this is the pipe of triple warmer. This is the meridian of triple warmer. And what is flowing inside the triple warmer? The kidney qi, kidney energy is flowing inside the triple warmer. तो kidney का रास्ता है triple warmer. तो kidney हमारे शरीर के upper part में जाती है, middle part में जाती है, lower part में जाती है, और जब kidney की ऊर्जा heart में पहुंचती है, lungs में पहुंचती है, हर एक meridian में पहुंचती है, तभी उस organ के फंक्शंस ठीक से चलते हैं. बिना किडनी की ऊर्जा के हमारा कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर सकता. हर ऑर्गन की जड़ें किडनी से बनती हैं. द रूट ऑफ द ईच एंड एवरी ऑर्गन इज मेड बाय किडनी, बिकॉज किडनी इज द रूट. सो किडनी एनर्जी फ्लो थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल वार्मर. द अदर नेम ऑफ ट्रिपल वार्मर, sometimes we are telling it triple warmer, sometimes we are telling it triple heater, sometimes we are telling it triple burner, sometimes we are telling it sensio. These are the name or synonyms of the triple warmer. Many times we tell it circulation, because it is circulating the kidney energy all around, circulation meridian. So triple warmer meridian, triple heater meridian, triple burner meridian, sensio meridian, circulation meridian, even many times we are telling even more names. So these are the triple warmer, because it is supplying the whole human body, the upper part, the middle part and the lower part. The upper part,
the middle part and lower part, who all the three parts supplied by the triple bar marble. तो ट्रिपल वर्मर का काम है हर एक मेरिडियन को ऊर्जा देना. तो दिस इज द किडनी, दिस इज द किडनी, द राइट किडनी, द लेफ्ट किडनी एंड द दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ युआनची. तो ये दोनों किडनी है और इनकी जो युआनची है, किडनी की ऊर्जा को युआनची कहते हैं. इसे ट्रिपल वर्मर ने उठाया और हार्ट को भेजा तो हार्ट को भेजा तो चलिए माने कि ये हार्ट मेरिडियन है. सपोज दिस इज द हार्ट मेरिडियन. तो जब किडनी की ऊर्जा घूमते घूमते हार्ट मेरिडियन तक पहुंची तो जिस बिंदु से इस ऊर्जा ने इंटर किया उस ऊर्जा उस बिंदु को हमने नाम दिया युआन पॉइंट. युआन पॉइंट क्योंकि ये युआन ऊर्जा है और इसी का दूसरा नाम रख दिया हमने युआन सोर्स पॉइंट. और इसी को शॉर्टकट में कभी कभी हम क्या देते हैं सोर्स पॉइंट. सो व्हाट इज सोर्स पॉइंट. द सोर्स पॉइंट मीन्स the point who received the yuan qi coming from the kidney with the pipeline of triple bar marble. The kidney ki urja triple bar marble ke pipeline mein behte behte heart meridian mein enter kiya ki aur heart meridian ke jis point se enter kiya usne us point ko hum kehte hain yuan point, yuan source point ya source point. एग्जाम्पल हार्ट के हार्ट सेवन से ऊर्जा प्रवेश करती है तो हार्ट सेवन को कहते हैं यौन सोर्स पॉइंट. और जैसे ही आप हार्ट सेवन को निडल लगाते हो तो हमारा मेरिडियन उस यौन ची को और ज्यादा खींचने लगता है, प्राप्त करने लगता है और अपने मेरिडियन को बैलेंस करने लगता है. ये उस तरह से हुआ कि आपके हार्ट मेरिडियंस को फूड सप्लाई चालू हो गई. जैसे गांव में अकाल पड़ा और फैमिली को राजा से मिला अन्न चावल सब्जियां, ऐसे ही हार्ट मेरिडियन के जब हमने सोर्स पॉइंट को स्टिमुलेट किया तो इसने क्या किया ऊर्जा को रिसीव करना चालू कर लिया. कहां से किडनी से. सो द सोर्स पॉइंट रिसीविंग ची फ्रॉम द किडनी. सो व्हेन वी आर स्टिमुलेटिंग द सोर्स पॉइंट इट इज द टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द किडनी. नाउ so source points or yon source points the point who receive energy, who receive chi or who receive yuan chi from kidney. Number one. Number two, this energy is coming, this chi is coming with a pipeline or meridian of triple bar marble. तो यौन सोर्स पॉइंट का मतलब है या सोर्स पॉइंट का मतलब है वो बिंदु जो किडनी की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, किडनी की युआन ची को प्राप्त करते हैं और यह ऊर्जा ट्रिपल बर्मर मेरिडियन के माध्यम से आती है. और एक बात ध्यान रखने की है कि हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य सिर्फ युआन ची के प्रेजेंस में ही हो सकते हैं. दैट्स व्हाई किडनी इज द very very essential part of our human body. Without the yuan qi it's difficult to perform many actions in the body. So now so
So this is the heart 7, and this is the heart meridian. In the heart meridian, this is the heart 7, or this is the source point, or this is the yuan source point. So now my question, heart 7 receiving the energy from where? What is the answer? Tell me. I have told that right kidney is the kidney yang. Don't worry, we'll discuss more, okay? Great. Now, so my question is this, heart 7 is receiving the energy from where? The answer is definitely. It's receiving the energy from the kidney. Now, question number 2. Whether heart 7 receiving energy from somewhere else? क्या heart 7 और भी कहीं से ऊर्जा को प्राप्त करता है क्या? तो आंसर है yes. कहां से? Let's see. Heart 7 also receive the energy from the couple, because couple is always helping. So heart 7 can receive the energy from the kidney. Heart 7 also can receive the energy from the couple, means small intestine. So the source point can receive the energy from the kidney, and the source point can receive the energy from the couple. So let's make the couple. So suppose this is the heart meridian, and this is the couple meridian. This is the small intestine meridian. So ek taraf humne bana diya small intestine meridian, aur ek taraf bana diya humne heart meridian. और हार्ट मेरिडियन का ये है हार्ट 7. हार्ट 7 इज द सोर्स पॉइंट. नाउ सोर्स पॉइंट इज आस्किंग फॉर एनर्जी फ्रॉम द कपल एंड टेलिंग प्लीज गिव मी एनर्जी. सो स्मॉल इंटेस्टाइन गेट अलर्ट एंड थिंक, ओ माय कपल इज आस्किंग द एनर्जी फ्रॉम मी, ओके लेट्स हेल्प माय कपल. And so this small intestine is start transferring the energy in the heart. तो जब heart को ऊर्जा की जरूरत पड़ी, इसने kidney से तो मांगा ही मांगा, लेकिन अपने couple से भी मांगा. और small intestine को जब पता चला कि heart को ऊर्जा की जरूरत है, तो इसने अपने couple को ऊर्जा देना चालू भी कर दिया. तो एक तरफ तो किडनी भी मदद कर रही है और एक तरफ कपल भी मदद कर रहा है. तो सोर्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कहीं ना कहीं से ऊर्जा को प्राप्त कर ही लेता है. और जब भी किसी मेरिडियन को आप चेक करते हो, किसी भी मेरिडियन में सबसे हाईएस्ट एनर्जी उसके सोर्स पॉइंट पर ही मिलती है, क्योंकि यह कपल से भी ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है और किडनी से भी ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है. सो द सोर्स पॉइंट हैविंग ऑलवेज हायर एनर्जी बिकॉज इट्स रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम टू सोर्सेस, वन इज द कपल, वन इज द किडनी. ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिंकिंग हाउ टू फ्रॉम वेयर टू ट्रांसफर द एनर्जी, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन वांट टू ट्रांसफर द एनर्जी. So small intestine is deciding, okay, from where should I transfer the energy? अब small intestine को ऊर्जा देना है, couple को ऊर्जा देना है. अब small intestine सोच रहा है मैं कहां से ऊर्जा को दूं? तो small intestine क्रिएट करता है bypass. So this is the bypass. This is the bypass route. And this is the Leo कनेक्टिंग पॉइंट. सो लियो कनेक्टिंग पॉइंट से ऊर्जा निकलकर
उसके कपल में चली जाती है और सोर्स पॉइंट से इंटर कर जाती है. सो द बाईपास रूट स्टार्ट फ्रॉम द लियो कनेक्टिंग पॉइंट एंड एंटर्स इन द सोर्स पॉइंट. इन दिस वे दिस एनर्जी इज गोइंग. तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपने कपल को इस प्रकार से ऊर्जा देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने हार्ट से एक रिलेशनशिप बनाई है, एक समझौता किया है कि देखो मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी एनर्जी देना पड़ेगी. सो जब स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगा कि हार्ट सेवन से ऊर्जा को प्राप्त भी कर सकता है, बिकॉज ये बाईपास एक रास्ता बन गया. जब जिसको जरूरत है ले लो. इट इज समथिंग लाइक ए रिवर. सो दिस इज द रिवर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द रिवर ऑफ हार्ट. हार्ट एंड दिस इज द रिवर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर इज अ बाईपास रूट इन बिटवीन. ऑन द वन साइड वी आर हैविंग लियो पॉइंट, ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग सोर्स पॉइंट. Now, whoever need the energy can take the energy. तो ये दो नदियों की तरह है, एक तरफ छोटी आंत small intestine, एक तरफ heart, दोनों के बीच में एक bypass route बन गया. जिसको जरूरत पड़ेगी वो ऊर्जा को ले लेगा दूसरे से. ये एक रास्ता तैयार हुआ. अब ऊर्जा कहीं से भी कहीं जा सकती है, जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह का ट्रांसफर होगा. अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा कम हो गई तो हम ले लेंगे, और हार्ट में ऊर्जा कम हो गई तो हार्ट में ले लेंगे. सो इन दिस वे देयर इज अ रूट, देयर इज अ बाईपास रूट बिटवीन टू मेरिडियंस, बिटवीन टू कपल मेरिडियन. ऑन द वन साइड देयर इज अ लियो पॉइंट, ऑन द अदर साइड देयर इज अ सोर्स पॉइंट. एंड दिस बाईपास रूट इज मेड बिटवीन टू मेरिडियन. इन द वन मेरिडियन source point, in the other meridian is Leo point. So what is the source point? The source point are the points who receive the energy from the kidney as well as from the kapal. So source point wo point hote hain जो किडनी से भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और कपल से भी. और जब आप सोर्स पॉइंट को टोनिफाई करते हो, जैसे मैंने हार्ट सेवन को टोनिफाई किया, तो ये कहीं से भी ऊर्जा प्राप्त करेगा, लेकिन करेगा. अगर कपल के पास नहीं हुई तो किडनी से प्राप्त कर लेगा, और किडनी कमजोर हुई तो कपल से ले लेगा, पर ये लेगा जरूर. और सोर्स पॉइंट को सेडेट कर दिया तो ऊर्जा को छोड़ देगा. सेडेट करने का मतलब है ऊर्जा को छोड़ देना. सो व्हेन वी डू द टॉनिफिकेशन ऑफ द हार्ट सेवन, इट विल इंप्रूव द एनर्जी इन द हार्ट मेरिडियन. वेदर इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द कपल और फ्रॉम द किडनी डजंट मैटर, बट इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम एनीवेयर. इट डिपेंड्स दैट किडनी इज हैविंग मोर एनर्जी, देन किडनी विल सप्लाई. इफ कपल इज हैविंग excessive energy, then couple will supply. So if we do the tonification of the heart seven, it will receive the energy from anywhere. In the same way, when we sedate, when we do the sedation on the heart seven, it will expel the energy and it will go in the reverse manner. So इसी तरह से हमारे जितने भी meridian हैं, लंग के लिए लंग नाइन, हार्ट के लिए हार्ट सेवन, और पेरिकार्डियम के लिए पेरिकार्डियम सेवन. सो लंग नाइन इज द सोर्स पॉइंट ऑफ लंग. इट इज कनेक्टेड विद द किडनी एंड इट इज कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन. हार्ट सेवन इज द सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट. इट इज कनेक्टेड विद द किडनी एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. Pericardium is the source point of pericardium. Pericardium 7 is the source point of pericardium. It's connected with the kidney as well as with the triple warmer. So source point ka matlab hai ki lung 9 hamare lung ka source point hai jo kidney se bhi connected hai aur large intestine se bhi.
और हार्ट 7 हार्ट का सोर्स पॉइंट है जो किडनी से भी कनेक्टेड है और अपने कपल स्मॉल इंटेस्टाइन से भी, और पेरिकार्डियम 7 पेरिकार्डियम का सोर्स पॉइंट है जो किडनी से भी कनेक्टेड है और अपने कपल से भी, ट्रिपल वार्मर से भी। इन द सेम वे स्प्लीन 3 किडनी 3 एंड लिवर 3 3 3 3 स्प्लीन 3 इज कनेक्टेड विद द स्प्लीन 3 इज द सोर्स पॉइंट ऑफ स्प्लीन, किडनी 3 इज द सोर्स पॉइंट ऑफ किडनी, लिवर 3 इज द सोर्स पॉइंट ऑफ लिवर। सो व्हेन वी डू द टॉनिफिकेशन ऑफ स्प्लीन इट इज इंप्रूविंग द एनर्जी इन द स्प्लीन, व्हेन वी आर डूइंग द टॉनिफिकेशन ऑफ द किडनी 3 इट इज इंप्रूविंग द एनर्जी इन द किडनी 3। सो किडनी 3 इज द वेरी गुड पॉइंट, इट इज इंप्रूविंग द एनर्जी इन द किडनी। स्प्लीन 3 इज वेरी गुड पॉइंट, इट इज इंप्रूविंग द एनर्जी इन द किडनी एंड स्टमक, स्टमक इज द कपल। किडनी 3 इज रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम द किडनी एंड कपल, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। लिवर इज गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द किडनी एज वेल एज द फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो सोर्स पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर योनची पाई जाती है, योनची किडनी की ऊर्जा पाई जाती है। हर मेरिडियन का एक सोर्स पॉइंट होता है, जैसे कि ये तो हमारे स्टेट का एक राजा हुआ, दिस इज द किंग ऑफ स्टेट। नाउ दिस इज द किंग ऑफ एनी स्टेट। नाउ इन द एवरी फैमिली there is a one person like a king has been appointed who is receiving the energy from the king, that point is called yon source point। to jaise hamare ek shahar ka raja hota hai, aise hi hamari har family mein ek raja hota hai jise us bade raja se urja prapt hoti hai, usi raja ko hum yon source point kehte hain। aur jab bhi family ko koi bhi kami hogi तो उसको ऊर्जा सप्लाई करना इस योन सोर्स पॉइंट का काम है। और किसी भी मेरिडियन में हाईएस्ट एनर्जी योन सोर्स पॉइंट पर ही मिलती है। जैसे हार्ट मेरिडियन की बात करें, हार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हार्ट मेरिडियन में 9 पॉइंट होते हैं, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी आपको हार्ट 7 पर मिलेगी जो हार्ट का योन सोर्स पॉइंट है। सो हाईएस्ट एनर्जी विल बी अवेलेबल ऑन द योन सोर्स पॉइंट। इन द सेम वे हाईएस्ट एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर द ऑन द लंग 9। लंग 9 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द लंग। तो जब कोरोना का आक्रमण हुआ और हमें लगा कि लंग की ऊर्जा को बैलेंस करना है, तो हमने लंग 9 को स्टिमुलेट किया। जब हमें हार्ट को ठीक करना था, तो हमने हार्ट और पेरिकार्डियम के दोनों के यौन सोर्स पॉइंट को स्टिमुलेट किया, यानी हार्ट 7 और पेरिकार्डियम 7। सो ड्यूरिंग द अटैक ऑफ COVID-19 वी स्टिमुलेटेड द लंग 9, बिकॉज लंग 9 इज द ग्रेट पॉइंट फॉर लंग, बिकॉज इट इज द सोर्स पॉइंट। एंड व्हेन वी वांट टू ट्रीट द इंसोम्निया, when we want to treat the heart condition, we are stimulating the heart as well as the pericardium source point. When we want to improve the health of the spleen, we are treating the spleen 3. The single point is very good, receiving the energy from the kidney and the couple. So spleen 3 is very good for strengthening the meridian, spleen meridian, a complete meridian. The kidney 3 is the single point who can strengthen the complete meridian. The liver 3 is the single point who can strengthen the complete meridian. Spleen 3 single point lagakar bhi aap pure meridian ko taakat de sakte hain. Kidney 3 single point lagakar bhi aap pure meridian ko taakat de sakte hain. Aur liver 3 single point lagakar bhi aap pure meridian ko taakat de sakte hain. In the same way, so we have seen the yin source point like lung 9. Heart 7, pericardium 7, liver 3, spleen 3, and kidney 3. In the same way, we are having yang source point for the yang channels. So, just as yin ke hai, waise yang ke bhi hai. Large intestine 4, small intestine 4, triple warmer 4, 4, 4, 4. It's so simple. Li4, Si4, triple warm 4. So, ye hamare यांग के यौन सोर्स पॉइंट है, Li4, Si4, Tw4 और
पैरों में जाएंगे तो गॉल बर्डर 40, देखो स्टिल अभी भी 4 है। स्टमक 42, यहां भी 4 है। एंड यूरिनरी ब्लडर 64, यहां भी 4 है। 4 4 4, यू विल फाइंड 4 एवरीवेयर इन द यंग चैनल्स। सो दीज आर द सोर्स पॉइंट ऑफ यंग चैनल। नाउ सी, इफ आई टेल यू ओके गो एंड फाइंड आउट द how much energy is available in the spleen, how will you measure? Just check the spleen 3 and we can declare this much energy is available. Isko hum ek udharan se samajh sakte hain. Jaise ye, these are the two families, family 1 and family 2. और इसके इस फैमिली बैंक मेंबर के बैंक में 1000 रुपीज हैं और ये दूसरी फैमिली मेंबर के बैंक में 1 lakh rupees है। सो आई विल आस्क यू टेल मी व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दीज टू फैमिली। यू विल टेल फर्स्ट फैमिली इज हैविंग 1000 रुपीज बैलेंस, द सेकंड फैमिली हैविंग 1 lakh rupees बैलेंस। But this banks, we are telling this is the bank balance of family, but maybe the only one person having the account in the bank, but we are declaring that this is the balance of family. In the same way, if you want to talk about the what is the total energy of the spleen, just go and measure the energy on the spleen 3 and declare this is the energy of spleen. Go and measure the energy on the heart 7 and declare this is the energy of heart. So whenever you want to measure, whenever you want to measure chi level or energy level, just measure, just do the measurement on source point. तो जितनी ऊर्जा सोर्स पॉइंट पर होगी वही उस मेरिडियन की ऊर्जा का लेवल है। तो जितनी ऊर्जा उस सोर्स पॉइंट की है, हम डिक्लेयर करेंगे कि इस मेरिडियन का ऊर्जा का लेवल इतना है। How to measure that? I will show you. Don't worry. No need to measure, but there is a tool. I will show you the tool. How to measure? I will show you the tool. Okay. So this was the small explanation of the source point. So now I am completing the class today. Now tomorrow we will see the location of all the source point. ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम सारे सोर्स पॉइंट का लोकेशन देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन एंड गुड नाइट।